अस्सलाम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशियल की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली और शाहीन नगर इलाकों में आए दिन मुसलसिल वहाँ की आवाम को ढेनिज कचरा और कच्ची सड़क की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बार बार क्राइम टुडे न्यूज आवाम की आवाज बनकर उनकी परेशानी आला अहदेदारों तक पहुँचाता रहा है और अब हमारी मेहनत कामयाब होती नजर आ रही है। वहाँ की आवाम की परेशानी को लेकर म्यूनसिपालिटी की जानिब से एक शुरुआत की गई। अमजद अली, उनकी भी इस मामले में जिद्दोजहद थी। उन्होंने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर बातचीत की। एम ए हमीद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। असेंबली महेश्वरम और जलपल्ली बल्दिया के एरिए शाहीन नगर में पिछले 6 दिन पहले मुझे ऑफिस पर बस्ती के कुछ लोग आकर के कहने लगे कि जो है कुत्ता मर के जो है मुहरी के अंदर पड़ा हुआ है और जिसम से जो है जरासीम फैल रहा है। तो मैंने अंजया को भी फ़ोन किया और बल्दिया के जितने भी स्टाफ हैं उनको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो लोग जो है ना आज आकर के जो है सुबह में वो वहाँ से जो गलाजत है, कुत्ता मरा हुआ था, उसको निकाल। साबेखा में भी हमने ये जो मोरी है यहाँ पर कितना बड़ा गड़ा पड़ गया और रास्ता भी सही नहीं है बस्तियों में, गलियों में। अगर कोई रास्ता, अगर गली में से रात के टाइम कोई दवाखाने को जाने का रहा, पेशेंट रहा, डिलीवरी केसेस रहा, ऐसा कुछ भी रहा तो सिवाय गड़े में गिरने के कुछ भी नहीं। पिछली बार मोइन साहब आकर के, लाइन इंस्पेक्टर मोइन साहब आकर के क्या करिए तैफुन देकर गए थे कि मैं जल्द से जल्द ये करा दूँगा। और मोरी की निकासी का जो ये कचरे की निकासी का काम हो, जो मोरी में गलाजत बहती है पूरा मोरी, वो 3 फीट डौगन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो लोग आते ज़रा सा बद्दे मारते चले जाते हैं। और यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर से कई लोग जो है ना, अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले मेरी गली में एक 50 साल के हजरात जो है डेंगू से मर चुके हैं। तो कितने बार बोलेंगे। मैं साबिर अली साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि बड़े काम तो होते होंगे, पब्लिक के लिए जो है पहला अहम मसला बस्ती के अंदर बोरिंग का पानी हर गली में आना। आप इसमें आप उनको बुलाइए, आप खुद भी आइए, जबकि इल्ला की बौड़ी भरी हुई है, एक गली में पानी आता, 4 गलियों में पानी नहीं आता। अब हम 12 शिकायतें कर रहे हैं म्यूनसिपालिटी में, तो ये बोल रहे हैं बजट नहीं है। तो फिर बजट कहाँ जा रहा। KCR साहब बोले कि मैं ये तेलंगाने को गोल्डन तेलंगाना, सुनहरी तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना। तो ये तेलंगाने की मुँह बोलती तस्वीरें देखिए आप, कहाँ है तिगल कृष्णा रेड्डी साहब। हम तो जो है विश्वेश्वर रेड्डी साहब को तो एक जमाना कोई नहीं जानता, MP कौन है हमारे एरिया का, और तिगल कृष्णा रेड्डी साहब तो इस बस्ती पे तवज्जो देते ही नहीं। हाल ही में महमूद अली साहब आके क्या करें मालूम है, कुछ खसीदे पड़े KCR साहब के ताल्लुक से कि मैं माइनॉरिटी को जो है उन्होंने डिप्टी CM बनाए। चलो भाई, खुशी की लहर दौड़ गई थी आप डिप्टी CM बने तो, ताकि आप डिप्टी CM बनने के बाद जो है मुसलमानों के कुछ हालात सुधरेंगे, बस्तियों के हालात सुधरेंगे, समझे आप। पढ़ लिख के बच्चे आज बेकार फिर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और बस्तियों में हर चीज़ का फकदान है। जाके कमिश्नर साहब से बोले तो वो ये बोल रहे हैं बजट नहीं है। फिर बजट ये बस्तियों का कहाँ जा रहा। फिर वोट लेने के लिए कहूँ क्यों आते हैं आप लोग। आपने कहा था कि 12% तहफ़ुज़ात मैं 100 दिन के अंदर मुसलमानों को दूंगा, अगर तहफ़ुज़ात नहीं देने की सूरत में मैं वोट लेने नहीं आऊँगा। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं KCR साहब, आप 12% तहफ़ुज़ात मुसलमानों को जल्द से जल्द दीजिए। 100 दिन बोले आप, आज 3.5 साल हो गए आपकी हुकूमत आकर के, लेकिन आज बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप के पास से जो है 100 रुपये 50 रुपये लेकर के गवर्नमेंट के ऑफिसों के चक्कर लगा करके मायूस होकर के घर को आते हैं, या माँ से पैसे लेते हैं, सौदे के पैसे। माँ क्या करती है, अम्मी मैं जो है फलानी जगह जा रहा हूँ मम्मी काम के लिए, जुस्तुजू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ नौकरी नहीं मिलने के बाद एक दिन बाप क्या करता घर को आने के बाद, क्या बेटा पेट को खत्तर बांध के हम तुमको पढ़ाए, तुम कब काम करेंगे। अब बच्चे कहाँ जाएंगे बोलिए आप, या तो उन्हें कोई जरायम की दुनिया में चले जाना पड़ता या तो उन्हें खुदकुशी कर लेना पड़ता। ये वो गोल्डन तेलंगाना है क्या, आप बताइए आप। ये बस्तियों का छोटे छोटे काम तो कराना चाहिए ना भाई। बस्ती में कम से कम मोरियों का मसला है, गलियों में इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है। हाल ही में क्या करे, 3000 लाइट आए, लाइट आते जो है हमारी बस्ती में 25-50 लाइट लगा दिए, बाकी दूसरे तरफ लेके चले गए ये लोग। ऐसे कई जगह देखिए आप खंभों पर लाइट नहीं है, मसाजिदों के पास लाइट नहीं है, मदरसों के पास लाइट नहीं है। रात के वक्त बूढ़े बड़े लोग जब भी घर से निकले तो वो लोग जो है ना मोरियों में गिर जा रहे हैं, और मैनुअल्स के ढक्कन नहीं है, क्या काम कर रहे हैं समझ में नहीं आता। गोल्डन तेलंगाना। अब इसको क्या बोलें, हमारी बदनसीबी समझना कि ये पब्लिक जो है इनको वोट दे करके जो आज परेशान हो रही है, इसकी वजह बता दीजिए हमारे को। जिससे ये कहते तो बोलते इलेक्शन से पहले आते पीठ थपक के बोलते हमको वोट दे दो, हम जो ये करेंगे। पिछले 25-26 साल से बस्ती में मैं देख रहा हूँ, मकाने तो गरीबों ने बना लिए लेकिन गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं होती। साबेखा में पी सभी तेंद्र रेड्डी यहाँ पर
हुए, उसके बाद अब तक ये गवर्नमेंट आकर के 3.5 साल हो गया, कोई बस्ती को ना कोई एमएलए फटकता, ना एमपी फटकता और ना कोई दूसरे कायदीन यहाँ पर आकर के ये बस्ती को तवज्जो देते। तो अब आप बताएं कहाँ जाएंगे ये लोग। तो मैं फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ कि साबिर अली साहब, आप आपके स्टाफ को जो है सख्ती से पेश आइए, और इमरजेंसी में 2 लेबर ऐसे होना चाहिए कि इतवार पीर और मंगल बोल करके नहीं है, इसके अंदर क्या है, कहीं कुत्ता मर जाता, कहीं कोई बिल्ली मर जाती, लेके आकर के नाले में डाल दे रहे हैं, उसमें से जो है कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं, इससे जो है बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे बताइए। 6 दिन तक जो है कुत्ता मर के वहाँ पर उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, अब आकर के उठाए मैं बोलने पर, तो ये क्या है बोलिए। आप बाजू में फिल्टर है, पानी खरीद के पीते हैं, वो फिल्टर का भी कारोबार मुतासिर हो रहा है। हाँ, अगर उसमें खुदा ना खास्ता अगर जरासीम चले गए, पानी पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए, पैसा दे के पानी खरीदना, ऊपर से दवाखाने में जाना, 1-2 लाख रुपए लेके जाना, ये कैसी हुकूमत चला रहे मेरे समझ में नहीं आता। कोई सुनने वाला नहीं है इन बस्तियों के अंदर, कितना बोलेंगे बोलिए आप। और रहा सवाल, मैं मेरी माँ और मेरी बहनों से अदबन गुजारिश करूँगा कि आप लोग 2019 में चाहे ये एरिया काउंसलर के लिए आए, कॉरपोरेटर के लिए आए, सरपंच के लिए आए, जो आपकी बस्ती में आता आप उसी को वोट देना, वोट उसी को देना जो आपकी बात सुनता, वोट उसी को देना जो आपको आपका रास्ता हमवार करता, वोट उसी को देना जो बच्चे आपके पढ़ लिख के बेकार फिर रहे उनको नौकरी का रास्ता बताना, उसी को वोट देना। मैं इतना कहते हुए मैं मोहम्मद अमजद फिर एक बार क्राइम टुडे का तहदिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी यहाँ पर मीडिया आए मैं उन तमाम मीडिया का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप चैनलों के जरिए जो है गवर्नमेंट की आँख खोलने का काम करते हैं, इसके लिए मैं प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। खुदा हाफिज, जय हिंद। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम रेडियो न्यूज़।